हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। अजमेर में एक डंपर और बस में रविवार सुबह जोरदार भिड़ंत में 12 लोगों की मौत हो गई और 30 लोग घायल हो गए हैं। हादसा इतना गंभीर था कि बस का एक हिस्सा लड़खड़ा गया और लोग और शव उसमें फंस गए। शुरुआती जानकारी के अनुसार बस में करीब 40 यात्री सवार थे। हादसा ओवरटेक करने की कोशिश में हुआ। ये बस पाली डिपो की थी और भरतपुर जा रही थी। अजमेर के तबेजी में नेशनल हाईवे पर एक डंपर हाईवे पर अजमेर की ओर आ रहा था। डंपर के पीछे रोडवेज की बस चल रही थी। बस पाली से अजमेर आ रही थी। हादसा होते ही वहां चीख पुकार मच गई। वहां से गुजरने वाले वाहन चालकों ने पुलिस को सूचना दी। इस दुर्घटना में मृतकों की संख्या और भी बढ़ सकती है। घटना के बाद जिला कलेक्टर, अजमेर पुलिस अधीक्षक के अलावा शिक्षा मंत्री वासुदेव देवनानी घायलों के उपचार को लेकर अजमेर के अस्पताल पहुंचे। वहीं पाली के रोडवेज बस स्टैंड पर बस में सवार यात्रियों के परिजनों को सूचना देने को लेकर कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है, जहां पर घायलों और मृतकों के परिजनों को सूचना देने के बंदोबस्त किए गए हैं। इस दुर्घटना के बाद पाली के अजमेर की ओर गए यात्रियों के परिजनों में हड़कंप मचा हुआ है। करीब 35 से अधिक यात्री अपने रिश्तेदारों को लेकर बस में सवार यात्रियों से संपर्क करने में जुटे हुए हैं। दूसरी ओर पाली डिपो से भी एक रेस्क्यू टीम अजमेर के लिए रवाना हुई है। पाली जिला प्रशासन भी पूरी घटना को लेकर अजमेर प्रशासन के संपर्क में है, ताकि घायल यात्रियों के उपचार को लेकर और अधिक बंदोबस्त किए जा सके। घटना के बाद अजमेर के सांसद रघु शर्मा भी घायलों से मिलने पहुंचे। इस बीच सरकार ने पीड़ित परिवार वालों को मुआवजा देने की घोषणा भी कर दी है। पाली से जागरूक टीवी की रिपोर्ट।